तो आज हम हमारी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आपको इंट्रो दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्लासेस हमारी है, ये जो कोर्स है, नया कोर्स है, इसको मैंने जून में ही लॉन्च की, राइट। ये है डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन विथ एडवांस एक्सेल, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होता है और डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है। अब मान लीजिए कि आप एक स्टोर के मालिक है, राइट, आप एक स्टोर के मालिक, ठीक है, और आपके यहां काम करते हैं आपके लेबर। आप शाम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, मान लीजिए मिश्रा जी हैं आपके एम्प्लॉय, जो काउंटर बैठते हैं, जो पूरा काम संभालते हैं। अब शाम में बोलते हैं कि मिश्रा जी बताइए आज क्या स्टेटस है, आज क्या हुआ बताइए। मिश्रा जी आएंगे, बड़ी से रजिस्टर लेंगे और सारे एक एक बिल आपको दिखाएंगे। देखिए ये लिखिए, ये गुप्ता जी आई थी, गुप्ता जी आए थे और ये 500 रुपए की उन्होंने चावल ले गए हैं। दूसरा आता है बोलता है ये देखिए ये आए थे, 4 चट्टी बनियान बिकी है। तीसरा आके बोलेगा कि ये बिका है। एक एक करके आपको जो दिन भर के आपके शॉप के अंदर, जो आपका सुपर स्टोर है, उसके अंदर अगर 500 सेल्स हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि 500 हजार जो भी इनवॉइसेज है, एक एक करके चेक करेंगे आप डेली? होगी पॉसिबल है? और चेक करने से क्या पता निकलेगा, आप क्या समझेंगे? कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा? लेकिन वही चीज आके बोले, पहले आके बताएं कुछ इस तरह से कि इस तरह के सारे जो सेल्स का डेटा एक जगह पे इकट्ठा होगा, क्या क्या सेल हुआ है, उसकी इस तरह के विजुलाइजेशन बने। वो बोले कि देखिए टोटल सेल्स हमारी इतनी हुई है, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, ठीक है। इस कैटेगरी की सेल्स इतने, इतनी सेल्स, फोन की कैटेगरी, चेयर कैटेगरी, स्टोरेज कैटेगरी की इतने सारे सेल्स हुए, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट ईयर देखिए, हमारा सालाना प्रॉफिट परसेंटेज कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि 2022 में हमारा 33% का प्रॉफिट शेयर था, अभी 2021 का है, 2020 में 19 है, 29 है और 2019 में 17 है, ठीक है ओवरऑल। उसके बाद यहाँ पे मेरा बताया कि मेरा जो एरिया है, किस किस एरिया में सेल हो रहा है, रीजन। और उसके बाद बताएगा देखिए क्वार्टरली कुछ इस तरह का सेल ग्राफ है, जिससे मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरा सेल कंटिन्यू ग्रोथ में है, ठीक है। कंटिन्यू क्या है, ग्रोथ में है। और दूसरी चीज मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि Q1 से लेके Q4 तक, Q1 हमारा क्या होता है, मार्केट में सेल कम होती है, Q4 हमारा पीक होता है। हाँ Q4 क्या होता है, पीक होता हाँ है। अब इस इंफॉर्मेशन, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चलिए ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, तो इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। समझ नहीं समझ के करूँ क्या, अब कोई कहानी की स्टोरी तो नहीं, कहानी की स्टोरी तो नहीं है ना, कि मिर्जापुर में जो बोलते हैं कि बॉस डी के चाचा, सुनाई देता है कुछ और, हालांकि मैं बोलू रिकॉर्डिंग से बोलूंगा नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट में क्या था, बॉस डी के चाचा, तो एक साथ जब बोलने पे कुछ और सुनाई देता। अब ये समझना है, समझ के पे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, राइट। ये चीज तो नहीं है ना, यहाँ पे दो तीन चीज समझ में आ रही है। पहले हम समझ सबसे पहले समझ में हमें ये आ रही है कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन 12% का है। अगर मैं कोई डील करता हूँ, किसी को डिस्काउंट देता हूं, तो ध्यान रखूंगा कि 12% हमारी एवरेज प्रॉफिट है। बात समझ में आया, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं देंगे। पता चला कि प्रॉफिट 12% है और डिस्काउंट हमने 10% दे दिया, तो 2% में खर्चा भी निकलेगा, समझे। अब हो सकता है कि अलग अलग सेगमेंट में, से कंज्यूमर सेगमेंट पे क्लिक किया तो कंज्यूमर सेगमेंट का भी कुछ और हो सकता है। इसका कॉर्पोरेट में 13% है, फोन ऑफिस में 14% है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग अप्लायंस में इस तरह से डिस्काउंटेड डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज जानने से क्या फायदा हुआ, कि कल के डेट में डिस्काउंट या डील वगैरह करूंगा तो मेरे ध्यान में रहेगा कि मेरा ओवरऑल मार्जिन 12% का है, उसी हिसाब से मैं अपने प्रॉफिट या डिस्काउंट का जो है, डिस्काउंट वगैरह अलाउंस करूंगा। समझ में आया। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कल के डेट में एक नई कंपनी आई कि भाई मेरे पास एक नया फोन आया है, आप स्टॉक में,
तो मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, जिसकी डिमांड है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फोन चेयर दोनों अच्छा है, उसके बाद आपका स्टोरेज, टैबलेट, बाइंडर, क्या बोलते हैं, मशीन है, एक्सेसरीज है, कॉपियर है, ठीक है ना, सूटकेस है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लेबल्स, एनवेलप, आर्ट, ये सब बहुत कम बिकते हैं। तो ये सब कम बिकते हैं, तो इससे रिलेटेड स्टॉक को हम ध्यान से मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर खरीद लेंगे तो हमारा जो ये है कैपिटल है वो लॉक हो जाएगा। हम कैपिटल को इधर बढ़ाएंगे जो कि फास्ट गोइंग सेल है, जो कि रुकते नहीं है, स्टोर में आते हैं और बिक जाते हैं। समझ में आया? इससे मुझे ये पता चल रहा है। दूसरा, मान लीजिए कि मुझे अपने स्टोर के अंदर स्टाफ को छुट्टी, या फिर स्टाफ को कहीं टूर पे ले जाना हो, या फिर अपने और इसको स्टोर को ही थोड़ा सा रेनोवेट करवाना होगा या कुछ काम करवाना है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि क्वार्टर 3-4 उसको नहीं करूंगा, क्योंकि पीक सेल होता है। अगर यहाँ पे हमने कुछ किया तो सेल डिस्टर्ब हो सकता है, हम क्वार्टर 1 में करेंगे चीजें। तो एक स्टोर कीपर, एक छोटे से स्टोर का मालिक होके आप इतनी एक छोटा सा डैशबोर्ड से आप इतनी चीजें समझ सकते हैं जो कि डिसीजन लेने में आपको मदद कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास ऐसे हजारों स्टोर्स हैं और उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की नेसेसरी रिपोर्ट चाहिए होगी, हजारों स्टोर की अलग अलग, नहीं सर? क्योंकि जो हजारों स्टोर का जो कंपनी का जो सीईओ होगा या फिर कंपनी का जो सेल्स ऑफ हेड होगा, वो हजारों कंपनी में बैठता नहीं ना होगा, और हो सकता है कि वो 2-3 महीना, 4 महीना पहले ही ज्वाइन किया। अब मान लीजिए कि आपके पापा दुकान खोले हुए थे, आप पापा के साथ पूरा बचपन दुकान में बिताए हैं, तो आपको आइडिया है कि आपका दुकान में क्या चल रहा है, तो आपको इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन अगर एक कंपनी की तरफ से देखें, एक कंपनी की ओर से देखें, जो कि बंदा आया है, एक हफ्ता पहले आया, तो वो तो कंपनी के बारे में नहीं जानना है ना, Yes. तो उसको इंफॉर्मेशन तो इसी तरह की रिपोर्ट देगा ना सर। लार्ज स्केल में जैसे जरूरत पड़ी गई लार्ज स्केल हो गया, हाँ लार्ज स्केल समझिए कि दुकान से उठ के अगर मॉल में चले जाते हैं, मॉल में मैनेजर चेंज हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि विशाल मॉल हो गया या फिर बिग बाजार हो गया, एक ही स्टोर की बात करें तो उसके तो मैनेजर चेंज होते रहते हैं ना भाई। तो एक नया मैनेजर आएगा तो कहेगा कि अब तो मैं नया नया आया हूँ, कुछ पता नहीं है, जैसा चल रहा है तो चलने, तो 2 साल बाद देखते हैं कि क्या है। नहीं हाँ, इसलिए डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइज। डेटा एनालिसिस मतलब हुआ कि आप एनालाइज करके इस तरह की इंफॉर्मेशन को निकाले, और विजुलाइजेशन मतलब हुआ कि एक सही तरीके में, एक सही प्लेटफॉर्म पे आप उसको प्रेजेंट करें जो आपके सामने दिखे। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, कि मैंने सेल ले रहा, अपना प्रॉफिट ले रहा, ये हमारे सारे प्रोडक्ट बाई सेल है, ये हमारे सारे सिटी बाई सेल है, रीजन बाई, स्टेट बाई सेल है, ये हमारे ईयरली सेल्स है, ठीक है ना, ये हमारे ईयरली क्वार्टरली सेल, ठीक है। लेकिन इससे कुछ खास समझ में आएगा? लेकिन नहीं इसी इसी इंफॉर्मेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह के डैशबोर्ड, इसी से लिंक है, देखिए, ठीक है ना, सपोर्ट शीट यस उसी से लिंक है। तो इस तरह का, तो हमारी कोर्स जो है पूरी की पूरी इसी पे डिपेंडेंट है, जिसको बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। इसके मोस्टली मेजरली 5 आपका जो है माइलस्टोन है। सबसे पहला है कि कंप्लीट एक्सेल बेसिक टू एडवांस विद 500 फॉर्मूला, एडवांस पिवट टेबल एंड 20 से ऊपर डैशबोर्ड। अभी जो डैशबोर्ड दिखाया है पिवट टेबल से ही बना हुआ डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये जी है, फिर मास्टरिंग डेटा क्लीनिंग। अब यहाँ पे जो डेटा आया है, इस डेटा को क्लीन करके आपका रिपोर्ट लाइक बनाया गया है, क्योंकि डेटा जैसा चाहिए वैसा आपको आएगा थोड़ी। राइट तो डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एडवांस डेटा एनालिसिस टेक्निक एंड डेटा विजुलाइजेशन विथ अट्रैक्टिव रिपोर्ट। ये मेजरली 5 हमारे पास
मायन स्टोर है। समझ गए, ये सब मैंने एक्सेल पे ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है व्हाट यू लर्न, यहाँ पे व्हाई चूज अस, सब चीजें पढ़ने की चीजें पढ़ लीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। ओके, मेजरली यहाँ पे आती है कंटेन की बात करें तो यहाँ आता है, इसमें हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 365 बेसिक एडवांस एक्सपर्ट लेवल का, जिसमें सारे यहाँ पे दी गई है जो चीजें मैं कराऊंगा, राइट। इसमें एक्सेल के हर एक पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, हर एक पार्ट इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें कोई चीज छुटी हुई नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि सम टॉपिक इज नॉट इंक्लूडिंग बट इन द क्लास कवर्ड ऑल फीचर लाइक पेज पेज सेटअप, स्पार्क लाइन, डिफाइन नेम, टेक्स्ट टू कॉलम, डुप्लीकेट, राइट। और बहुत सारे फॉर्मुलेस के बारे में मेंशन कर दिया हुआ, लिख दिया है कि सब टॉपिक नहीं है लेकिन हम सारे इंक्लूड करें, ठीक है सर। अब प्रोडक्ट इसलिए कि थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से हर टॉपिक को मेंशन करता तो ये मेरा कंटेंट 4-5 पेज का हो जाता, 4-5 पेज का कोई भी पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाता या बोलता यार मैं तो थोड़ा सा सीखना था तो बहुत सारा दे दिए, इसलिए मैंने इस तरह के सोचा। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे एआई विद एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो यहाँ पे बिल्ट इन एक्सेल एआई टूल्स है या चैट जीपीटी है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, को पायलट यहाँ दिख रहा है आपको, को पायलट, इन को पायलट के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके थ्रू हम कैसे रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पायथन इन एक्सेल, डेटा विजुलाइजेशन में जो रिपोर्ट कुछ कभी कभी क्या होता है कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, अलग अलग चीजें होती है जो बनाने होती है जो एक्सेल से पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम पायथन में प्रोग्रामिंग के साथ बनाते हैं या यहाँ, ठीक है। क्लियर है, मतलब यहां तक। इसके बाद यहां पे हम बात करेंगे 20 प्रोजेक्ट्स की, एक बात करेंगे रिपोर्ट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, कि कोई काम है सैलरी, मान लीजिए आपको सैलरी बनाने का काम मिल गया, राइट, तो आप मैनुअल क्यों बनाओगे, पूरी सैलरी ऑटोमेट होनी चाहिए, या लोन रिकवरी हो गया या फाइनेंशियल हो गया या एचआर इक्विपमेंट ट्रैकर हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो कोई भी आपको काम मिला उसको आप ऑटोमेट कर दीजिए, ये चीज मैं सिखाऊं। दूसरा तो डैशबोर्ड मैंने दिखाया, ऐसे आपको 10 से 15 डैशबोर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे, पिवट के साथ भी और फॉर्मूले के साथ। अब इसमें हम बात करते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है, इस पे एक बार डिस्कस करेंगे, एडवांस एक्सेल होता क्या है। अब यहां कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी सोच होती है कि एडवांस एक्सेल एक अलग एक्सेल है, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि एडवांस एक्सेल जो है वो एक्सेल के कुछ अलग टूल्स है, एक्सेल के कुछ अलग फीचर है, बेसिक फीचर है, एडवांस फीचर है, राइट। ध्यान रखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि फीचर बेसिक है और ये फीचर एडवांस, ठीक है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। अब चलिए इसके लिए आपको हम दो एग्जांपल दें, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि मैंने एक सेल में 20 लिखा, यहां पे 30 लिखा, राइट। अब मैं 20 को उठाया, बोलिए सर, ये जो सर जैसे अपना वर्टिकल ये कॉलम है जो अपना रो है, मतलब ये जो अपर सेट की है ये रो हो गया जी, नहीं ये कॉलन हुआ, ये रो हुआ, एबीसीडी है वो कॉलम्स कहलाते हैं और जो 1-2-3 है रो कहलाते हैं, जहां पे सेल इस तरह के खाने बने हुए उसको सेल कहते हैं। इस सब के बारे में बात करूंगा, पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक। अभी मैं आपको एक्सेल नहीं सिखा रहा हूँ, राइट, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि बेसिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है। अब मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी किया, इसके ऊपर पेस्ट किया, अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आता ही होगा, तो क्या किया कि 30 को रिप्लेस करके 20 कर दिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल। अब इस पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि जब कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हो, इसमें एक पेस्ट स्पेशल भी है। पेस्ट स्पेशल में कुछ अलग अलग फीचर्स है, जैसे इसमें ऑपरेशंस है, जैसे ऐड। तो अब क्या होगा कि 20-30 को रिप्लेस नहीं करेगा, 20-30 के बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 यहां पेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऐड किया, एडिशन हो गया। या फिर मैं दोबारा दिखाऊं पेस्ट स्पेशल, यहां पे क्या हुआ,
मल्टीप्लाई, तो 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, 1000 यहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल। तो यहां पे आपने एक एग्जांपल से क्या सीखा, इस एग्जांपल से सीखा कि कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल करें और पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन वाले सेक्शन में कोई अगर चीज सिलेक्ट करते हो तो जहां से कॉपी होता है और जहां पे पेस्ट होता है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। क्या होगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और रिजल्ट पेस्ट होगा। जैसे कि डिवाइड किया तो यहां पर डिवाइड 50 पेस्ट हो गया, ये जाना। yes. अब ये yes. जो चीज, ये जो चीजें मैंने सिखाया, एक कोई ट्रेनर आपको सिखाया, किताब में लिखा हुआ है उसी चीज को फॉलो करेगा। बड़े बड़े जो एफटेक फलाना टेक्निकल सेंटर जो बड़े बड़े बैनर लगा के होते हैं उसके अंदर जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट मिलेगी अच्छी सी सुंदर, बड़ी सी स्माइल, क्या बोलते हैं, सुंदर सी स्माइल आपको देगी और आपको पढ़ाने आएगी, वो आपको यही सिखाएगा। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास अगर जाते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक वर्किंग प्रोफेशनल जो एक्सेल पे 10-15 साल से काम कर रहा है, उसको बोलेंगे तो वो बताएगा कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज क्या करें, इसका यूज क्या करें। तो अब इसी एग्जांपल को अगर एक प्रोफेशनल या मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊ, पहले मैं एक प्रॉब्लम आपको बताऊं। जैसे एक्सेल में मुझे परसेंटेज में लिखना है, मुझे 20% लिखना है, तो आपको यहां पे 20% का सैंपल देना हो, ठीक है, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आ गया 20%। लेकिन अगर मैंने 20 टाइप कर दिया, एंटर मार दिया, अब इसको सिलेक्ट करके ऊपर परसेंटेज का सैंपल दिख रहा है, अब इस पे क्लिक करूंगा तो 2000%। क्यों? क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% क्या होता है, 1 = 100%। इसका मतलब है कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज देना है इस सिंबल के साथ तो क्या करना होगा, 0.20 टाइप करना होगा, देन परसेंट दूंगा तो 20% आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आप या तो 20% के साथ लिख दीजिए या फिर 0.20 करके परसेंट का सिंबल दीजिए ऊपर, ठीक है, जी जी। अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ कि मेरे कलीग है, मुझे एक डेटा भेजते है और डेटा में वो क्या किए, परसेंटेज का हेडिंग दी। अब मैं क्या लगाया, एनबिटमेंट का फॉर्मूला लगाया, इसको ध्यान मत दीजिए, अब कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। तो जब पढ़ाऊंगा सब कुछ पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि बेसिक एडवांस का डिफरेंस क्या है। अब यहां आपको दिख रहा है, अब मुझे डेटा भेज दो, अब मेरे दो मेरे जो कलीग हैं उनके हिसाब से 47%, बट एक्सेल के हिसाब से 47 नंबर। अगर मैं 500 का 47% निकालूं, अगर वो परसेंट में इस तरह से हुआ, परसेंट में हुआ, तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 47 नंबर हुआ तो क्या हो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, मुझे डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला चेंज करना होगा। अब यही प्रॉब्लम है कि मुझे इस डेटा को जहां यूज करना है ना, वहां और भी फॉर्मूले लगे हुए हैं और मुझे वहां पे अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना, मतलब कि मुझे यही पे इसको कॉपी करके अपने जो रिपोर्ट है, जो डैशबोर्ड है या फिर जो भी डेटा सेट्स है वहां पे ले जाना है, और वहां पे ले जाने से पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डबल क्लिक करूं और एक एक करके परसेंट का सिंबल डबल क्लिक करूं, लेकिन अगर 10-20 हजार का डेटा सेट हुआ तो पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरह से अब इसका तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर 0.47 कर, ठीक है, इसका परसेंट लगा। बोले सर ये भी तो बात सेम ही हुआ, सेम नहीं हुआ, इसका इसका सोल्यूशन हो सकता है, हमें इसको परसेंटेज में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। अब इस चीज के लिए C21 पे जो मैंने एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल था,
जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा और इस 100 को कॉपी किया और इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और मैंने कर दिया डिवाइड बाय। तो ये क्या होगा कि 100 हर नंबर को डिवाइड करो, क्या कर देगा, कर एक देगा। ही बार। सॉरी एंड ओके कर, देखिए क्वेश्चन का सैंपल दीजिए। ओके सर, प्लीज अब देखिए सेम टॉपिक मैंने C2 में पढ़ाया, तो आपने जाना कि कैसे अप्लाई होता है, और आपको उतना ये नहीं होगा, अब इसको इतना ये नहीं दीजिएगा, तजब्बुर नहीं दीजिएगा कि हाँ यार छोटी के नॉर्मल चाहिए, लेकिन जब इसी चीज पे एक प्रॉब्लम के साथ जोड़ा और एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने चुटकियों में सॉल्व किया, अब आपका ध्यान होगा कि हाँ ये अच्छा है, समझे। तो ये चीज आपको याद, क्लियर है, समझ, आप समझ में आया बेसिक एडवांस क्या होता है। हाँ सर। अब एक चीज और है, शायद आपके दिमाग में भी होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शॉर्टकट बताइए, ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए तो आप गूगल कर सकते हैं, एक्सेल हेल्प में जा सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल शॉर्टकट सर्च कर सकते हैं, F1 प्रेस करके, यहाँ पे F1 प्रेस कीजिए आ जाएगा फॉर हेल्प, यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, गूगल में जाके ढूंढ सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट का कोई महत्व नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल विल कर दिए, अल्ट एल एफ कर दिए, वो तो आपको मिल जाए, यहां पे सर्च कीजिए शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट आया, ये रही, ठीक लिस्ट है। अब इसके लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, यही मिल गया सारा शॉर्टकट लिस्ट आ गया। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्टकट का मतलब हुआ आपके काम का शॉर्टकट, जो आप काम करते हो उस काम को, जैसे कि मैंने अभी एक तरीका बताया आपको यहां पे, उस तरह के शॉर्टकट। अब एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, कुछ इस तरह से, फिलहाल मंथ वाइज है लेकिन हो सकता है कि आपका अलग अलग हो, बहुत ज्यादा हो, डेट वाइज हो या प्रोडक्ट वाइज हो, अभी फिलहाल 12 है लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादा भी हो सकता है, 100 150 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि 12 है। अब मुझे क्या करना है कि इस तरह का डेटा शीट है, अभी बॉस ने बोला है कि मुझे इसका परसेंटेज भी देना है, सबको हर महीने का टारगेट 70 क्वांटिटी मिला हुआ है, तो बॉस बोलता है कि मुझे इसके साथ पता होना चाहिए किसका कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ, तो मुझे क्या करना है कि हर मंथ के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, इसमें परसेंटेज टारगेट कुछ तरह का हेडिंग देना है और इसको डिवाइड करना है 70, ठीक है, फिर नीचे की तरफ ड्रैग करना है और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, ओके। अब ये चीज मुझे 1200 कॉलम के लिए चाहिए या 100 कॉलम में 100 के लिए चाहिए या 300 है तो 300 के लिए चाहिए, तो 12 है तो चलो अभी फिलहाल मैं आपको 5 मिनट लगेगा कर लीजिए, देखिए 12 100 हुआ तो 3 घंटा लगेगा। अब इसी काम को हम थोड़े समय में करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, सबसे पहले कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर, ठीक है, तो एक रो इंसर्ट करता हूं ऊपर और यहां पे मैंने 1 2 करके सिक्वेंस दूंगी ऊपर, ठीक है, इसी सीक्वेंस को कॉपी किया यहां पे पेस्ट कर, यहां पे परसेंटेज दे, ओके, और फिर पूरे यहां पे पूरे इस टूल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए कस्टम शॉर्ट में और यहां हमने ऑप्शन पे लेफ्ट राइट करके मैंने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट में क्या होता है, जब डेटा शॉर्ट करते हो तो जो नंबर से वापस इकट्ठा हो जाते हैं, और नंबर जब भी इकट्ठा होते हैं तो अकेले नहीं होता, पूरे रो कॉलम लेके होता है, ठीक, 1 जो है पूरा का पूरा कॉलम लेके इस 1 के बगल में आया, 2 ये जो 2 है पूरा का पूरा कॉलम लेके इस 2 के बगल में आया, ठीक है, और इससे क्या हुआ हमारा
हर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट। अब बारी आती है इन सबको डिवाइड करने, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब सेलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में होता है ब्लैंक, मतलब कि सिलेक्टेड एरिया में सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करना। जैसे ओके करेंगे सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करेगा, आपका फिल डेटा सिलेक्ट नहीं हो। अब इसको हम करेंगे इक्वल, इसको करेंगे डिवाइड बाय 70। अब यहां नॉर्मल एंटर नहीं मारना है, हमें मारना है कंट्रोल एंटर और परसेंटेज का। इसको बोलते हैं शॉर्टकट, कि आपके काम को शॉर्ट तरीके से किया जाए, दैट इज द शॉर्टकट। समझे? तो हमारी क्लासेस में यही चीज कराई जाएगी। ये जो कोर्स कंटेंट मैंने आपको दिया है, ये कोर्स कंटेंट इसी चीज के लिए पे आधारित, इसी तरह के तरीके, इसी तरह की रिपोर्ट्स आपको दी जाएगी। 50 से 55 घंटे ये ड्यूरेशन एवरेज है, ये 70-80 भी जा सकता है और 45-50 भी हो सकता है, और डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि आपको पहले से एक्सेल आता कितना है। ठीक है, काफी बोले तो पैसे बताना।